अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आ चुके हैं मिस्टर आरएच एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज फिर हम खेलने वाले हैं लिविक, क्योंकि यार आपको बताया था इन एंकर में बहुत ज़्यादा गेम लैग करता है तो वहाँ नहीं बनता। तो यार ना हर बंदे की एक लकी जगह होती है, तो मेरी लिविक में जो लकी जगह है ना वो लंबर यार्ड में। जब भी यहाँ उतरता हूँ मेरे कुछ ना कुछ खेल निकल जाते हैं, अदरवाइज गेम प्ले मेरा तो लाजमी बनता है। तो यहाँ पे मैं उतरा था, तो देखना भाई कभी अल्लाह हमें भी डिवाइस देगा और हमें भी अच्छी जनाब मिलेगी। ये देखना नीचे आके हमारे ग्राफिक्स लो। यहाँ तक तो कोई बंदा नहीं आया था, लेकिन जहाँ से मुझे आवाज़ आती है कि दो बंदे आ गए हैं। एक बंदा ये सामने से जा गया, ये देख रहे हो अभी FPS नहीं आप हुए थे इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही थी खेलने में, इसे डाउन किया। अब बहुत बुरा मेरा किल चोरी होने वाला है। तो पब्लिक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, इससे काफ़ी मदद हो जाती है हमारी, थैंक यू आपका शुक्रिया। तो यहाँ पे ना हमारी गेम लैग करती है, तो जिसकी वजह से पठान भाई हमारा किल चोरी कर लेते हैं। ये रैंडम थे यार सारे, अब रैंडम खेल जाते हैं। सिर्फ नंबर 3 जो है ना ये बस मेरे साथ टीममेट है मेरे, मतलब साथ खेलता है ज़्यादातर, बहुत अरसा हो गया। तो यहाँ पे बहुत लूट शूट हम स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं अगर जब ये बॉट आते हैं ना, ये बॉट हमारा काफ़ी काम कर देता है, काफ़ी काम। मैं समझूँ कि यहाँ पे जो दो चार हमारे खेल निकलेंगे ना वो इसी बॉट की वजह से। अब मैंने बॉट मारे इसकी लूट करने गया, तो सामने से ना मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है। मैं कहता हूँ यार टीममेट्स को बुलाता हूँ कि सामने भी बंदा है, तो इसके बॉट की लूट के चक्कर में ये मुझे मिला। तो लेफ्ट से भी शॉट आ जाते हैं, तो इधर से मैं इसे स्पॉट कर, यहाँ पर मैं इसे मार सकता था लेकिन मैं इसे जान बूझ के नहीं मारा कि यार इसे देखना है क्या करता है, क्योंकि लेफ्ट पर भी जो है ना वो बंदा होता है। तो अभी मेरे टीममेट आने लगते हैं तो उन्हें लेफ्ट से पड़ जाती हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा खतरा था, जिस वजह से मैंने उस बंदे को नहीं मारा। अब उस बंदे को जो नहीं मारा वो मुझे बहुत आगे फ़ायदा देता है, अब देख सकते हैं। तो यहाँ पे मार्क मिलता है कि इसके पीछे बंदा है, तो मैं मोली वोली करता हूँ लेकिन मोली वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो इतने में ना वो जो जिस बंदे को मैंने छोड़ा था ना वो वहाँ पर पुश देने आ जाता है, लेकिन ऐसे कहते हैं भाई जान ऐसे कैसे पुश होता है, अपने टीममेट के साथ आओ ना। तो ये फ़ायदा मैं पहुँचाता है इसके, मैं इस पत्थर के पीछे आ जाता है, तो मैं यहाँ पे इसे फोन से पूछ लेता हूँ। ये देखो मुझे लेफ्ट से पड़ी, इसे डाउन किया, ये कहीं और से पता नहीं क्या नशा वशे करके आया हुआ था। तो फोन से इसे फिनिश करता हूँ, इसके लूट वूट करता हूँ। अब वो DP वाला जो है ना वो बहुत गलत बंदा था, हमारी टीम में नॉन फिनिश दे रहा था, देखा मुझे भी इसने काफ़ी डैमेज दिया। और यहाँ पर ना M4+3X आपका भाई चला गया और वही हमारी काफ़ी मदद कर जाती है। तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब कर दे भाई, काफ़ी मदद मिल जाती है हमारी। आपका क्या जाता है एक सब्सक्राइब करने में? ये देखो मैं बॉट हूँ यार, ये शार मुझसे नहीं लगी, थोड़ा पैनिक हो गया था और थोड़ा जल्दी में कि मैं बड़ा प्रो हूँ, लेकिन हूँ नूबड़े ही, तो सच में नूबड़ हूँ इसमें मजाक। ये देख रहा फिर हमारे बंदे जो है ना वो DPGV से नॉक वॉक हो रहे थे, दे रहे थे। तो एक बार तो वो मिस हो गया, मैंने कहा भाई हर बार तो आप नहीं ना मिस हो गया, अब दोबारा मुझे पीक देगा तो इसके कान के नीचे लगाऊंगा, देखना अब दोबारा पीक देगा। ये दिया, वाह जी वाह, ये गया। अब मैं समझा कि यहाँ दो बंदे हैं, तो मैं अपने टीममेट नंबर 3 को साथ लेता हूँ, आगे पुश देता हूँ, लेकिन वहाँ एक बंदा ही निकलता है, तो काफ़ी हमारा गड़बड़ हो जाती है यहाँ। तो प्लीज़ आप अपने लाइक सब्सक्राइब कर दें, आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं मतलब वो तो नहीं मतलब आखिरी बार ये कह रहा हूँ यार, अब तंग हो जाते हो गए ना बार बार कहने में। तो आगे चलते हैं, यहाँ मैं समझ रहा था कि दो बंदे हैं लेकिन बंदा एक होता है, क्योंकि यार वो नॉक हुआ ना मैं समझा कि दो बंदे हैं और वो रिवाइव रिवाइव सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ एक ही बंदा होता है, ये पीछे चला जाता है, इसलिए मैं समझता हूँ। तो इसके लूट वूट करेंगे इसे फिनिश करने के बाद, आगे चलते हैं। यहाँ टीममेट जो नंबर 3 है मेरे पे बड़ा गुस्सा होगा, ये बेचारा निकल रहा तो ये समझे कि बॉट मारूंगा, लेकिन इतने में मैं कान के नीचे लगा रहे, तो यहाँ ये मुझसे लड़ रहा था कि यार तू मुझे किल नहीं देता ये वो। मैंने कहा कैसे भाई, गेम प्ले मैंने बनाना है। यहाँ पे बहुत इंटेंस फाइट हो जाती है, एंड पे पब्लिक एंड तक लाजमी देखना, मैं यहाँ से एक सेकंड भी कट नहीं करूँगा। यहाँ से ये पत्थर का ग्लिच होता है, इसे नहीं पड़ रही होती, लेकिन यहाँ से इसे हेड पड़ेगा लेकिन नॉक नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके बाद लेवल 3 का हेलमेट होता है और उसने जो है वो ड्रॉप लूटा हुआ होता है, इसलिए लेवल 3 का हेलमेट उन अच्छी गन्ने उनके पास होती हैं और वो नहीं होते। तो यहाँ पे काफ़ी ट्राई करने के बाद एक हेड पड़ता है, लेकिन मैं समझा नॉक हो गया, मैंने वो नॉक नहीं होता। नंबर 3 आगे जाता है, उन पर पूछने मैं बोलता हूँ ना कि एक जो है ना हेड पड़ो, इतने में नंबर 2 को ऊपर से ना MK वाला आ जाता है, MK वाले ने भी नशे वशे किए हुए होते हैं, सिंगल पे MK चला रहा होता है, मैंने कहा अभी तो इसे भी मारता हूँ, काफ़ी भाई जान निकल गई मेरी, इसमें काफ़ी हेल्प करेगा, आप तो कहते होते मैं तो गया था। तो यहाँ से इसे मारने के बाद हील वील करता हूँ, टीममेट को रिवाइव देता हूँ, तो आगे पूछ देते हैं हम। 7 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निकल चुके हैं, 6 अलाइव है जिनमें से 3 हम हैं और 3 वो हैं, 6 ही अलाइव है ना, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये टीममेट जो नंबर 2 था बहुत पागल था, मुझे बात बात पे मारा था, मुझे स्नाइपर दो, मेरे पास स्कोप है, मैंने कहा भाई अब स्कोप मुझे दे दो, स्नाइपर वाली बात नहीं है। तो इसे मारते हैं और आखिर पे जो है ना विनेर चिकनेर डिनेर आए, हाय हाय आज हमारा होता है बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्लियर मतलब एक होता है किल, एक उससे ऊपर लेवल क्लियर, ये हमारी लैंग्वेज है यार, थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी आपको। अभी विनर चिकन डिनर होता है ना, एक बहुत हैवी वाला विनर चिकन होता है, उसे हम विनेर दूसरी फार्म में ले जाएंगे।
अभी जब बहुत ज़्यादा होगा ना तो इसे भी और ऊपर ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बंदा उसे नंबर 3 को मारा होता है, पीछे आता है उसे बचने के लिए, तो यहाँ से इसे मैं मार देता हूँ। अभी एक ही बंदा लाइव होता है 3, और वो नंबर 3 को मैं कहता हूँ कि तू पूछते ही, मैं तुझे ना कवर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आता है वो पूछ दे देता है, मैं उसे कवर देने के लिए आगे आता हूँ, वो उससे मारने के लिए आगे आता है, तो मैं इतने में उसे हेडवेट दे के ना उस नॉक फिनिश कर देता हूँ। और इस तरह मिलता है हमें विनेर विनेर चिकनेर डिनेर। पब्लिक वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने एंजॉय किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो अगर आपने एंजॉय किया तो सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, इतना तो नो मैन डिवाइस है यार, कुछ हेल्प वेल्प कर दो यार। इतनी बे मैं कौन खेलता है, कौन सा यूट्यूबर है जो इस डिवाइस पे खेलता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें डिवाइस देगा। तो सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी मदद हो जाएगी हमारी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।